हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टेक्नो भाईजान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट लेकर आया हूं। और ये प्रोडक्ट ऐसे लोगों के लिए है जिनको विंटेज कलेक्शन करना पसंद है, जिनको रेयर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, जिनको एंटिक चीज़ें बहुत ज़्यादा कलेक्ट करने की आदत है, तो वैसे लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक प्रोडक्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और इसकी मैं लिंक भी दे दूंगा, आप इसको चाहे तो बाय भी कर सकते हैं अमेज़ॉन से, ठीक है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं कि आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस चिराग की, जो है अलादीन का चिराग। और ये विंटेज कलेक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा पसंदीदा प्रोडक्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको ख़रीदते हैं। और जिसको भी विंटेज चीज़ें, एंटिक चीज़ें पसंद है, तो वो ज़रूर इस चिराग को ख़रीदते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ इस चिराग की, और देखने वाले हम कि ये चिराग की क्वालिटी कैसे है, इसको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसकी प्राइस क्या है और क्या क्या ख़ास बातें इस चिराग के अंदर, तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो फ्रेंड, जल्दी से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए फ्रेंड, जल्दी से इस चिराग को हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट और ये है अलादीन्स मैजिक लैम्प। ये बहुत ही ज़्यादा डिमांड के अंदर रहता है, टीवी के ऊपर, सीरियल्स के अंदर आपने देखा होगा, या बहुत सारे शॉर्ट भी इसके ऊपर बनते हैं। लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, और बहुत सारे लैंप आपने देखे होंगे जो सादे किस्म के होते होंगे, लेकिन ये बहुत ही स्टाइलिश है, बहुत ही बारीक नक्काशी इसके ऊपर की हुई है। और इसका बॉक्स भी आप देख रहे हैं कितना स्टाइलिश इसका बॉक्स है। तो इस प्रोडक्ट को आज हम ओपन करेंगे, इसकी क्वालिटी वगैरह सब चेक करेंगे। तो पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए बॉक्स को देख लेते हैं। सबसे पहले तो बॉक्स बहुत ही स्टाइलिश इसका बनाया गया है, और अरेबियन डिज़ाइन इसके ऊपर दी गई है, यानी इसका लुक ऐसा आता है जैसे आपने इसको दुबई वगैरह से इसको परचेस किया है, लेकिन आप इसको अमेज़ॉन से परचेस कर सकते हैं। इधर आप देखें, यहाँ पर तो ये टसलर करके जो शॉप है, ये यहाँ पर सेलिंग करती है अमेज़ॉन के ऊपर, तो यहीं से हमने मंगवाया है इसको। और इधर भी देखिए आप, इधर साइड में तो इसके नाम वगैरह, इसके प्राइस, इनका फ़ोन नंबर भी नीचे साइड में दिया गया है। चलिए बॉक्स ओपन कर लेते हैं, तो आपको आपका चिराग कैसा देखने को मिलता है। एक्चुअल में इसको अलादीन का चिराग से जानते हैं, तो आप देखिए जब बॉक्स ओपन करते हैं हम, तो इस तरीके से देखने को मिलता है। ये चार कलर में आपको अवेलेबल है, आपको फोटो यहाँ पर चारों नज़र आ रहे हैं, तो ये चार कलर है। मैंने जो है तो ग्रीन मंगवाया हूँ, ठीक है। तो चलिए ओपन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ओपन किया, इसके अंदर बॉक्स में अब कुछ नहीं है, तो बॉक्स कर देते हैं हम साइड में। और फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि इस तरीके से आपको इसकी पैकिंग मिलेंगी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये। और काफ़ी रोज़ से मैं इसको इंतज़ार कर रहा था कि ये कब मेरे हाथ में आएगा, कब मैं इसको रियल में देखूंगा, और आज ही हमारा टाइम आ चुका है। तो चलिए जल्दी से इसको निकाल लेते हैं बाहर। तो आप देख रहे हैं, निकालने के बाद इस तरीके से यहाँ पर कवरिंग है इसकी, पन्नी से, प्लास्टिक से लपेटा हुआ था। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये इसका ढक्कन या लीड दिया गया है यहाँ पर, और इसको हम इसके ऊपर अब यहाँ पर लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि कितना स्टाइलिश और कितना खूबसूरत चिराग है ये, और इसकी साइज़ वगैरह भी हम सब चेक करने वाले हैं। और पूरा फुल्ली जो है तो मेटल ब्रॉन्ज के अंदर बना हुआ है ये, और काफ़ी मजबूत है ये, और काफ़ी वेट है इसका, यानी कोई ऐसा हल्का नहीं है, प्लास्टिक वगैरह जैसा नहीं, काफ़ी ज़्यादा वेटेड है ये। और इसके ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ पर सामने से आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए पूरा गोल्डन पॉलिश इसके ऊपर की गई है, और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है तो ये मोती इसमें लगे हुए, लेकिन ये मोती प्लास्टिक के है, ठीक है, ये पत्थर नहीं है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ग्रीन कलर का, यानी जो रेजिन होता है, उस तरीके से यहाँ पर ये डाला गया है, पूरा लाइट इसके अंदर है। और इधर जो है तो पूरी गोल्डन टाइप डिज़ाइन इसके ऊपर बनी हुई है, तो आप देख रहे हैं इस तरीके से है ये। सामने से आप देखें तो फिर यहाँ पर एक डायमंड लगा हुआ है जो है प्लास्टिक का, यहाँ पर भी एक डायमंड है लेकिन प्लास्टिक का है। और इधर साइड से इसका यहाँ से फ्रंट दिया गया है, इधर आप देखें तो यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं, तो आप देखिए अंदर से इस तरीके से रहेंगे ये, अंदर से भी पूरी गोल्डन पॉलिश इसके अंदर दी गई है। और यहाँ पर इसका जो लीड है आपको चेन के साथ मिलता है, तो कहीं पर भी आप इसको यानी अगर छोड़ भी देते हैं तो ये गमने का इसका सवाल नहीं रहता है इस तरीके से। और यह साइड से देखिए आप कितना स्टाइलिश लगेंगे ये, देखिए वाकई में इस पर डिज़ाइन वगैरह बहुत ही ज़बरदस्त बनाई गई है। और ज़्यादातर ये जो है तो अरेबियन जो स्टोरीज़ है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, अलादीन के चिराग से मशहूर है ये। और इसका देखिए आप यहाँ पर जो इसका बॉटम के अंदर भी डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत फ्लावर वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप आपके घर में इसको रखते हैं तो जो भी मेहमान आपके घर में आएंगे इसको ज़रूर उठाकर देखना चाहेंगे, और उठाने के बाद लोग इसको ऐसे घसते हैं कि इसमें से कोई जीन निकलेगा, हालांकि इसमें कोई जीन निकलने नहीं वाला है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्रोडक्ट है ये। चलिए इसकी साइज़ मैं आपको बता देता हूँ कितनी है। तो ये है मेरे पास में रूलर, तो रूलर मेरे पास में थोड़ी पुरानी टाइप है, ठीक है, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा यहाँ पर। तो देखिए मैं सब में आपको बताता हूँ, तो यहाँ से देखिए मैंने लगाया हूँ, तो ये इसकी जो ऐसी, तो यहाँ पर आप देखिए 21 सम इसकी साइज़ आ रही है,
और ऐसी हम इसकी साइज़ देखें तो ऐसी इसकी साइज़ जो है तो 12 सम की इसकी साइज़ यहाँ पर आ रही है, यानी ऐसा 21 सम का पड़ेगा ये, और ऐसा जो है तो 12 सम की इसकी साइज़ है। तो चलिए फ्रेंड्स हमारे इस चिराग का वेट कर लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर ज़ीरो पर है ये, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको रख रहा हूँ और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका जो पूरा वेट है 214 ग्राम इसका वेट है। और एक बार उठा के और रख देता हूँ मैं, देखिए 214 ग्राम जो है तो इसका वेट आ रहा है, ठीक है। इस चिराग का हमने अब वेट भी देख लिया है, आपको समझ भी आ गया होगा। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आपको एक आइडिया आ गया होगा कि इसको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसकी जो प्राइस है 1300 रुपये है, और मेरे ख्याल से अगर आप शौकीन है विंटेज चीज़ों के, अगर आपको डेकोरेशन की चीज़ें रखना बहुत पसंद है या पुराने दौर की चीज़ें रखना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आपको इसको ज़रूर बाय करना चाहिए। ये आपके जो कलेक्शन है उसके अंदर चार चांद लगा देगा और हर कोई इसको देखना चाहेगा। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इसकी डिज़ाइन है, आप देख रहे हैं यहाँ पर डिज़ाइंस वगैरह बहुत ही बारीकी से इस पर की गई, हालांकि सब मशीन से बनी हुई है लेकिन काफ़ी खूबसूरत देखने के अंदर लगता है। और अगर आप इसको बाय करते हैं तो आप पछताएंगे नहीं, बल्कि आप ये सोचेंगे कि एक अच्छा प्रोडक्ट है। तो पहले आप आपके मार्केट में जाकर देखिए, अगर आप हैदराबाद से हैं तो हैदराबाद के अंदर तो आपको शॉप के ऊपर ही मिल जाएगा, आपको बाहर से जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे जो पार्सल आया हैदराबाद से आया है, ठीक है। तो हैदराबाद से आप जाकर डायरेक्ट खरीद सकते हैं, या फिर अगर आप दूसरी सिटी में मुंबई वगैरह इधर, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको ये। और अगर आप छोटी सिटी के अंदर रहते हैं तो वहाँ ये मिलेगा नहीं, आपको ऑनलाइन ही मंगाना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से जाकर आप इसको बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड आप इसको यूज़ में भी ले सकते हैं, आप इसमें तेल डाल सकते हैं, यहाँ से आप जो है तो कपास लगा के इसको यहाँ पर लाइट के जैसे आप चिराग के जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसमें पानी चाय वगैरह डालकर भी लोगों को सर्व कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ इसको शो के लिए रखने वाला हूँ। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। इसी तरीके की वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल पर विजिट करते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।